Assalamualaikum and welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे. तो आज एक नया दिन, बट व्लॉग मेरा दो दिन तीन दिन पुराना है. एक्चुअली मैं बिल्कुल, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे बहुत बुखार था दो दिन, और टेम्परेचर की वजह से मैं सीरियसली, मेरा दिल ही नहीं चाहता था कि मैं उठूँ. और खाना वाना भी जो है वो बस एक दिन मैंने बनाया था जब थोड़ी सी तबीयत बेटर थी. नेक्स्ट डे तो मैंने खाना भी नहीं बनाया. एंड बिलीव मी, सारा दिन मैं बेड पे थी, ना मैं एक्टिव थी, ना मेरा दिल चाह रहा था कुछ करने का. अभी भी मेरे गला मेरा ख़राब है एंड मैं यही सोच रही हूँ कि वॉइस ओवर के बीच में मुझे खांसी ना आ जाए, क्योंकि मैं भी बीमार हूँ, बेटा भी बीमार है. आई डोंट नो क्या है, लेकिन फ़िलहाल तो फ्लू के सिम्टम्स लग रहे हैं. बस दुआ करें कि जो है ये वर्स्ट साइट पे ना जाए. और अभी भी मुझे फील हो रहा है जैसे मेरे, वो कहते हैं ना, फ्रॉग इन माय थ्रॉट. खैर एनीवेज, बस ये है कि इस वजह से मैंने जो है कल बिल्कुल भी अपना जो है व्लॉग अपलोड नहीं किया था, बिकॉज ऑफ ये जो मेरी तबीयत ख़राब हुई हुई है. बीच में एक दो हफ्ते पहले भी मुझे थोड़ा सा इस तरह फील हुआ था, लेकिन वही होता कि मैंने व्लॉग बना लिया था, लेकिन कल तो बिल्कुल मुझसे उठा नहीं जा रहा था. खैर एनी वेज, आई वॉज गोइंग थ्रू ऑल दोज क्वेश्चंस जो मुझे बहुत अरसे से क्वेश्चनिंग हो रही थी. तो मुझे था कि चलो आज मैं स्टोरी टाइम बना लेती हूँ. स्टोरी टाइम इन अ सेंस की जो स्टोरी टेलिंग होती है अबाउट माई लाइफ एंड एवरी थिंग. तो आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ लिया होगा कि टाइटल में क्या लिखा हुआ है. तो मुझे बहुत से लोग शादी कैसे हुई थी और बच्चों के बारे में बताए, प्रेगनेंसी के बारे में बताए, ये बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे. तो मुझे था कि चलो आज मैं आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत अपनी जो है ना फर्स्ट जो मेरी दो बच्चों की प्रेगनेंसीज हैं उनकी सारी डिटेल, जिस तरह से क्या हुआ, किस तरह से मींस टाइम कैसा गुजरा. क्योंकि मुझे बहुत सारी ऐसी गर्ल्स स्पेशली जो न्यूली वेड्स हैं और वो प्रेग्नेंट हैं और दे वांट टू नो के किस तरह होता है और क्या होता है और किस तरह से क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्या कुछ, यू नो, एवरी थिंग. तो मुझे था कि चलो, मैं पहले बहुत अरसे से सोच रही थी कि मैं करूँ ना करूँ, फिर मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आने लगी. तो मुझे था कि चलो, इट्स लाइक माय यूट्यूब फैमिली, इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो. अच्छा जी, तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ कि जितनी ख़वातीन हैं, जितने जिनके बच्चे हैं, दे विल एग्री कि हर बच्चे की प्रेगनेंसी जो है वो दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है. अगर आप मेरे बड़े दो बच्चों की देखें, वो आपस में बिल्कुल डिफरेंट है, और जब तलाल की है वो बिल्कुल 180 डिग्री डिफरेंट है. तो सारी जो है ना, जैसे पांच उंगलियां बराबर नहीं होती ना, इस तरह हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है. हर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं. हर प्रेगनेंसी में जो दिल चाहता है खाना पीना वो बिल्कुल डिफरेंट होता है. खैर, अब मैं फर्स्ट, लेट मी टॉक अबाउट माई एल्डर सन्स प्रेगनेंसी. उसका ये था कि उसकी प्रेगनेंसी जो है ना बहुत मुख्तलिफ थी. मुख्तलिफ इस तरह थी कि आई वॉज़ वेरी अपसेट एंड डिप्रेस्ड, फ्रेंकली स्पीकिंग. दैट वॉज़ नॉट अ हैप्पी प्रेगनेंसी, यू कैन से. इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं अपने शहर से, मीन्स पिंडी आ गई थी क्वेटा से, और जब मैं यहाँ आई तो मेरे हस्बैंड आफ्टर 14 डेज चले गए अपनी जॉब की वजह से. एंड आई वाज लिविंग इन माय इन लॉज, एंड अल्लाह हस्बैंड्स को ज़िंदगी दे, जब वो नहीं होते ना तो वो टाइम बहुत क्रूशल होता है, बहुत यू कैन से कि मुश्किल टाइम होता है. और वो मेरी ज़िंदगी का आप कह सकते हैं कि एक मुश्किल तरीन टाइम था जो मेरा वो पहले साल था शादी का. एक तो मैं एक अपने घर में सबसे छोटी थी और बिल्कुल डिफरेंट लाइफ गुजार रही थी. शादी के बाद आपकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा. मींस शादी से पहले आप अपने घर में जो है ना एक अच्छी, मींस इस तरह की लाइफ गुजार रहे होते हो, ना कुकिंग का गम है, ना परेशानी है कि, मींस आपकी अम्मी होती हैं, सब बना लेते हैं, सब पका के दे देते हैं. लेकिन शादी के बाद आपकी जिम्मेदारियों में जितना इजाफा होता है उसको, उसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता होता. खैर, जब मेरी शादी हो गई तो एक वो ड्रीम होता है ना शादी के बाद, हस्बैंड और ये वो. मेरी जब शादी हुई तो मेरे हस्बैंड ही मेरे साथ नहीं थे, एंड आई वाज अलोन. एंड थ्रू आउट प्रेगनेंसी मैं इतनी बीमार रही हूँ, इतनी बीमार रही हूँ. ये नहीं था कि जी मैं दिल हार बैठ गया था कि जी मियाँ नहीं है मेरे पास. आई वॉज़ हैविंग जेन्युइन रीजंस, जेन्युइन इश्यूज. आई वॉज़ हैविंग, लाइक मेरा ब्लड बहुत कम था,
बॉडी में, और लाइक मेरा एच बी जो है, अगर आप लोगों को एच बी के बारे में, तो ब्लड के को कैलकुलेट करते हैं डॉक्टर्स को ज़्यादा अच्छा पता होगा, मेरा एच बी जो नॉर्मल लोगों का 12 होना चाहिए ख्वातीन का, मेरा 9 होता था, 8 होता था। और मुझे पता नहीं कौन कौन सी जैक्टोफर्स और कौन कौन सी मेडिसिन और कौन कौन सी ट्रिपें नहीं लगी। एंड लाइक मंथ में मीन्स जब जितना थ्रू आउट 9 मंथ्स का टाइम था, उसमें महीने में 2 दफ़ा मैं हॉस्पिटलाइज होती थी बिकॉज ऑफ मेरी पैल्पिटेशन शूट कर जाती थी। वो इतनी शूट कर जाती थी कि मुझे अपने कान में जो है ना अपनी हार्ट बीट ज़ोर ज़ोर से सुनाई देती थी। एंड फिर सबसे जो ज़्यादा जो डिप्रेसिंग चीज़ थी वो ये थी कि माई मदर वो सो फार फ्रॉम मी। होता है ना कि जब आप आपकी अम्मी पास होती हैं, वो आ जाती हैं आपके पास, तो जो आधी टेंशन है तो वो तो रिलीज़ हो जाती है। तो आई यूज़ टू बी अलोन इन हॉस्पिटल। एंड मुझे अपनी बहन का टाइम याद आता था कि जब वो बीमार होती थी या कभी वो हॉस्पिटलाइज्ड होती थी शादी के बाद, तो यू नो कभी एक फुप्पी आ रही हैं, चची आ रही हैं, अम्मी आ रही हैं, कोई देख रहा है, पूछ रहा है, फ्रूट ला रहा है, एंड आई यूज़ टू बी ऑल अलोन इन द हॉस्पिटल। तो वो साल जो है ना, मैं आज आप लोग के साथ ज़िंदगी की वो चीज़ सारी शेयर करी जिसके बारे में शायद आप लोग अपने आप से इसको रिलेट कर सकें। स्पेशली जब हस्बैंड की जॉब ऐसी होती है कि आपको लाइक वो है ही नहीं मेरे पास, एंड मैं ऑल अलोन हूँ, लाइक महीने में 2 दफ़ा मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मैं जो है वो वहाँ पर 2-2, 3-3 दिन जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड रहती हूँ, और फिर मैं वापस आती हूँ, और कुछ दिन बाद फिर मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, फिर मैं चली जाती हूँ हॉस्पिटल। लाइक मेरा जो फर्स्ट प्रेगनेंसी थी मेरे बेटे वेंट इन हॉस्पिटल आता है, लेकिन वो एक याद रह जाती है, यू नो आपके माइंड में रह जाता है कि हाउ अलोन आई वॉज दैट टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रेगनेंसी बहुत बीमारी में मेरी गुजरी थी। मीन्स हर प्रेगनेंसी में आप बीमार होते हो, लेकिन ये कि वो प्रेगनेंसी अगर मैं कंपेयर करूँ, मैं आपको इंशाल्लाह ताला अभी आगे और भी बताने वाली हूँ, लेकिन वो जो मैं आप लोगों को डरा नहीं रही, मैं अपना सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। हर एक की प्रेगनेंसी ऐसी नहीं होती, हर एक की डिफरेंट होती है, इवन 2 बच्चों की डिफरेंट होती है आपस में। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हाउ माई फर्स्ट प्रेगनेंसी वॉज। और उसके बाद ये था कि एक बिल्कुल अनजान शहर था, और मैं यहाँ पर मेरी कोई फ्रेंड नहीं थी कि मुझसे आके मिल सके या मैं किसी के घर जा सकूँ। मेरा सिर्फ बाहर निकलना क्या होता था, क्योंकि हस्बैंड थे नहीं, आउटिंग तो बहुत दूर की बात है, मेरा बाहर निकलना क्या होता था, ओनली गोइंग टू द हॉस्पिटल। वो मैं बस हॉस्पिटलाइज होने के लिए बाहर निकलती थी और हॉस्पिटल में रहती थी 2-3 दिन, और वो मैं इतनी अवज़ार होती थी, क्योंकि समटाइम्स होता था कि आपके साथ कोई बेड पे, मींस वो एक रूम होता है जिसमें 2-3 पेशेंट्स होते हैं, कोई होता है कभी सा, कभी कभी तो उस पूरे रूम में मैं अलोन होती थी। और आपको पता है हॉस्पिटल्स जो है ना दे आर हॉन्टेड, तो वो एक अजीब जो है ना वो सीरियसली अजाब होता था कि मैं हॉस्पिटल एडमिट होती थी, और फिर समटाइम्स तो मैं खड़े खड़े बेहोश हो जाती थी। खैर एनीवेज टाइम गुजरता गया, फर्स्ट प्रेगनेंसी हो गई, बेटा मेरा माशाल्लाह से जब हुआ तो ही वॉज माशाल्लाह वेरी नॉर्मल, सब कुछ सारा सब कुछ बहुत अच्छा गया। और अब मैं आपको बताती हूँ, लाइक फर्स्ट प्रेगनेंसी वॉज वेरी डिप्रेसिंग, बट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई सेकेंड प्रेगनेंसी। सेकेंड प्रेगनेंसी और फर्स्ट प्रेगनेंसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, ज़मीन आसमान का। फर्स्ट सेकेंड प्रेगनेंसी में मेरी बेटी, अब मैं आप चावल पका रही हूँ तो बस ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्टोरी, तो आप लोग देखते जाए। खैर सेकेंड प्रेगनेंसी मेरी बेटी की थी, एंड आई वॉज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड के साथ मैं रह रही थी, और वो प्रेगनेंसी बहुत खुशी वाली थी, आई वॉज सो हैप्पी। मैं आपको बता रही हूँ ना कि अल्लाह ताला जो है ना वो हस्बैंड्स को ज़िंदगी दे। लाइक आज मेरी तबीयत ख़राब है तो मेरे हस्बैंड मेरे पास होते थे, फिर ये होता था कि मुझे जैसे हॉस्पिटल लेकर जाते थे खुद, और दूसरा ये कि खाने पीने का मेरा ख्याल रखते थे कि खाना प्रॉपरली खाया ये नहीं खाया, एक फ़लाँ चीज़ की है ये नहीं की, मेडिसिन ली हैं ये नहीं। ही वॉज़ विद मी, आई वॉज़ हैप्पी दैट ही इज़ विद मी, और सारे मीन्स अल्हम्दुलिल्लाह वो सेकेंड प्रेगनेंसी वॉज वे फार बेटर देन माई फर्स्ट वन। आई वॉज़ हैप्पी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी एंड में मेरी अम्मी आ गई थी, यू नो मदर्स कांट कम फॉर द 9 मंथ्स, तो वो बेचारी के अपने घर हैं, अपनी जो है ना वो सारी चीज़ें तो छोड़ के नहीं आ सकती थी। तो मेरे भाई की शादी भी नहीं हुई थी, तो मेरी अम्मी जो है वो फिर एंड में आई थी, ये लाइक मेरे बेटे के होने के कुछ दिन पहले आई थी, और उसके बाद बेटे के होने के 40 डेज तक शी वॉज विद मी। शी यूज़ टू कुक फॉर मी, शी यूज़ टू कुक फॉर माई ऑल इन लॉस। अच्छा उसके बाद ये हुआ कि जब दूसरा मेरी बेटी का प्रेगनेंसी थी, तो बेटी की प्रेगनेंसी में मेरी अम्मी इसी तरह आई थी,
एंड में आई थी, लेकिन उन्होंने मेरे साथ, लेकिन सेकेंड बेबी पे मैं इतनी एक्सपर्ट हो चुकी थी फ्रेंकली स्पीकिंग, बेटे को संभालती थी, क्योंकि दोनों में 2 साल का सिर्फ गैप है। तो जब बेटी मेरी हुई तो कैन यू बिलीव, मैंने अपनी अम्मी को कहा कि नहीं आप मत इसको नहलाएं, मैं खुद नहलाऊंगी। फर्स्ट टाइम जो छोटा एक बेबी पैदा होता है उसको मैंने खुद नहलाया था, क्योंकि मैं पहले से बड़ी एक्सपर्ट हो चुकी थी, उसको मैं सारे काम करती थी, इसको भी मैंने सारे काम करना शुरू कर दिया। और दूसरा चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जो होती है ना, मीन्स एक तो गैप बहुत छोटा थोड़ा था दोनों में, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों जो बड़े बच्चे हैं ना वो नॉर्मल डिलीवरी हुई है उनकी, उनकी सिजेरियन नहीं हुई भी। तो नॉर्मल डिलीवरी में और सिजेरियन में क्या फ़र्क होता है वो तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको आगे बताऊँगी, लेकिन ये है कि नॉर्मल में ये होता है कि आप बड़े आराम से नेक्स्ट क्या घंटे बाद आप उठ के अपने बच्चे को खुद संभाल रहे होते हो, लेकिन सिजेरियन में ऐसा नहीं होता। बस मैं आपको यही बता रही हूँ कि टफ टाइम होता है प्रेगनेंसीज में, अगर आपकी सेहत अच्छी है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपकी सेहत ख़राब है, पहले तो आप अपना HB का बहुत ख्याल रखिए। मेरा तो ब्लड अभी भी बहुत कम होता है, इसलिए मैं एनेमिक हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा ठंड लगती है, मैं हमेशा ये बात बताती हूँ। तो ये है कि आपने अपना ब्लड लेवल चेक करना है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा BP वगैरह कोई ऐसा इशू नहीं था, लेकिन मेरा जो है ना, मैं एनेमिक बहुत ज़्यादा थी अपने दोनों प्रेगनेंसीज़ में, और उसमें यह था कि फिर मैं खाती थी, जब बेटी की प्रेगनेंसी थी तो आई एम टेलिंग यू ना, माई हस्बैंड वॉज विद मी, सो ही यूज़ टू टेक केयर ऑफ़ मी, लाइक ही यूज़ टू प्रोवाइड मी एवरी थिंग। तो जैसे मुझे कोई चीज़ खानी है, किसी ने बता दी तो वो फ़ौरन मंगवा देते थे कि खाओ ये ब्लड पड़ेगा तुम्हारा। तो ये जो अगर आप लोग इस तरह रह रहे हैं, लाइक मैं इसी तरह रही हूँ जैसे फ़ॉरन कंट्रीज़ में लोग रहते हैं, कोई भी नहीं पास अकेले, तो अकेले में ये होता है कि आपको सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, कोई आपका ख्याल नहीं रखेगा, आपको अपना ख्याल खुद रखना होता है। क्योंकि मुझसे इतने क्वेश्चंस आ रहे थे जो लोग बाहर रह रहे हैं, जो लड़कियां अकेली रह रही हैं, कि यू हैव लिव्ड अलोन लाइफ, सो जस्ट प्लीज़ आप हमें बताएं कि गाइड करें थोड़ा सा। बस एक तो आपने अपना सेहत का बहुत ख्याल रखना है, आपने बहुत जंक फूड नहीं खाना, क्योंकि जंक फूड से आप पुट ऑन ही करो कि बेबी को तो वही सब जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो तो आपसे ले लेता है, लेकिन एक्स्ट्रा कैलोरीज आप मत खाएं, फ्रूट्स खाएं। मुझे अभी हंसी आती है इस बात में, मेरी एक फ्रेंड थी, शी टोल्ड मी जस्ट ईट दही, खीर, दूध, ये चीज़ें खाओ ना। तो मैंने उससे कहा क्यों, तो कहती है कि बेबी बड़ा गोरा होता है। तो मुझे इतनी हंसी आई उस पर, मैंने उससे कहा एक चीज़ आपको इनहेरिटेंस में मिलती है, लाइक मैं पठान हूँ, आप लोगों को पता है पठान मोस्टली बहुत गोरे होते हैं, तो अगर मैं अगर मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क होगा तो बच्चे को तो डेफिनेटली डार्क ही होना है ना, और डार्क और फेयर से तो कुछ भी नहीं होता, अल्लाह बच्चों की बस नसीब बच्चे करे। तो वो ना, ये समटाइम्स ये प्रेगनेंसी में बहुत से लोग आपको बड़े मशवरे देते हैं, ये कर लो, वो खा लो, वो पी लो, लेकिन ये है कि सारे बातों की एक बात कि आपने अपनी सेहत का ख्याल खुद रखना है, अपना डाइट प्लान खुद बनाना है, बहुत एक्स्ट्रा ऑयली चीज़ें ये वो नहीं खानी है, मोस्टली कोशिश करें कि आप फ्रूट्स भी खाएं, आप कार्ब्स भी लें, आप फैट भी लें, ताकि एक बैलेंस डाइट हो, क्योंकि आपकी सेहत का जो है ना आपके बेबी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन सेकंड बेबी माशाल्लाह, मैं फर्स्ट बेबी और सेकंड बेबी के वेट का बता दूं, मेरा बेटा जो था व्हेन ही वाज बॉर्न तकरीबन कोई ही वाज 3.5 किलो का था, 3.7 kgs का था, बट माई डॉटर माशाल्लाह माशाल्लाह, बिकॉज द प्रेगनेंसी वॉज वेरी हैप्पी प्रेगनेंसी माशाल्लाह से, बिकॉज माई हस्बैंड वॉज देयर फॉर मी। मैं ये बात इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि हस्बैंड्स आर, अल्लाह बस इनको ज़िंदगी दे, इनको सेहत दे, ताकि वो साया जो है ना आपका बहुत बड़ा काउंट करता है, कि अल्लाह ताला उनको सलामती दे। तो मेरी बेटी माशाल्लाह माशाल्लाह, व्हेन शी वॉज बॉर्न शी वॉज 11 pounds, एंड मेरी अम्मी जो है ना वो जैसे उस उन्होंने मेरी बेटी को उठाया तो शी टोल्ड मी, लाइक नेक्स्ट मॉर्निंग जब बच्चों को साफ़ कर रहे थे, चेंज करा रहे थे, तो मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि शी इज़ माशाल्लाह दैट हेल्दी, जैसे 3 months का बेबी होता है, शी वॉज़ माशाल्लाह वेरी हेल्दी चाइल्ड, बहुत हेल्दी थी वो, मीन्स उस जो मेरे जो मिडवाइफ्स थी या उधर नर्सेस थी, सो दे वर टेलिंग मी कि माशाल्लाह से काफ़ी अरसे के बाद हमने कोई बेबी देखा जो इतना हेल्दी पैदा हुआ। तो मैं आपको बता रही हूँ कि खुश रहें, और आजकल तो बहुत अच्छा ज़माना है भैया, आपके पास तो नेट है, आपके पास जब मेरी शादी भी थी, खैर इतना पुराना ज़माना नहीं था, बट इतनी चीज़ें कॉमन नहीं थी, इतना मोबाइल फ़ोन ये इंटरनेट थे, बट दे वर नॉट दैट कॉमन कि फ़ोन में भी होंगे, हर जगह आप यूज़ कर सकते हो। आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, अच्छी चीज़ें देखें, और उनको उस चीज़ उस टाइम को इंजॉय करें, जो कि मैंने अपनी बेटी की दफ़ा बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। तो इंजॉय करें, और
بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ والا جو ٹائم ہے یہ خیریت سے گزارے، اچھا گزارے، تاکہ آپ کا بیبی پہ بہت اثر پڑتا ہے، پھر آپ کے موڈ سوئنگز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. فرسٹ بیبی کے بعد جو ہے نا، آئی تھنک اسے پوسٹ پارٹم ڈپریشن بولتے ہیں. فرسٹ بیبی کے بعد بہت سی خواتین کو یہ ڈپریشن بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک پورے انسان کی رسپانسبلٹی آپ پہ آ جاتی ہے. آپ نے اس سے پہلے کبھی کسی بیبی کو، مینس کوئی اتنی رسپانسبلٹی نہیں اٹھائی ہوتی، لیکن نیو بورن ہے، آپ کو ڈر لگتا ہے، آپ کو اٹھانا نہیں آتا، تو وہ تھوڑی سی ڈپریشن ہوتی ہے. لیکن اس چیز کی طرف مت جائیں، پازیٹیو رہیں. اف یو فیل دیٹ یو آر فیلنگ ڈپریس، ٹاک ٹو یور مدر، ٹاک ٹو دا ڈاکٹر، تاکہ وہ آپ کی ہیلپ کر سکیں اور آپ کو جو ہے نا اس چیز سے نکالیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ ہر عورت کے ساتھ ہوتی ہے. ڈونٹ وری، آپ کو پریشانی بھی ہوگی، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، آئی ڈونٹ لک گڈ، بٹ ففتھ سکس منتھ میں جو اسکن، کیونکہ آئی ایم انٹو اسکن کیئر، مجھے پتا ہے کہ اتنی حسین ہو جاتی ہے فورتھ ففتھ سکس منتھ میں، آپ کی اسکن اتنی پیاری ہو جاتی ہے، اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے، کیونکہ اب گلو آنا شروع ہو جاتا ہے آپ کی اسکن پہ. لیکن کچھ لوگوں کو جو ہے بہت زیادہ فیس پہ جو ہے وہ پگمنٹیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ پریگننسی میں جو تھوڑے سے پگمنٹڈ ایریاز ہوتے ہیں نا، وہ پرومیننٹ ہو جاتے ہیں، ڈارک ہو جاتے ہیں زیادہ. تو اس پہ پریشان نہ ہو، بعد میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تھوڑا اپنا اسکن کا خیال رکھیں، پانی بہت زیادہ پئیں. بس یہ ہے کہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، خوش رہیں اور اچھی شاپنگ کیا کریں بچوں کے لیے، اور اچھی چیزیں دیکھیں گی تو پازیٹیو رہیں گی، کیونکہ بندہ تھوڑا سا مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے اگر اف یو آر فار فرام یور فیملی، فار فرام یور ہسبینڈ، آپ تھوڑے سے ڈپریشن میں چلے جاتے ہو. لیکن الحمدللہ آئی کوپ ود دیٹ. جب آئی کین کوپ ود دیٹ، یو آل کین کوپ ود دیٹ. ڈونٹ وری، یہ ٹائم ہوتا ہے، گزر جاتا ہے، 9 months ہے. اس ٹائم کو جتنا میں نے انجوائے کیا ہے فار مائی سیکنڈ ڈاٹر اینڈ طلال، وہ شاید میں پہلے کو نہیں کر پائی، اور اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ وہ ٹائم گزر گیا. اور اس طرح کے مشکل وقت اللہ تعالیٰ گزار دیتا ہے. لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ جتنا میں نے اپنی بیٹی کی پریگنینسی انجوائے کی تھی، وہ سارا پھر میں بھول گئی. بتا پیسے، یہ چیز میں صرف آپ لوگوں کے ساتھ آج شاید میں کئی سالوں بعد سوچا ہے، مینس میرے دماغ میں دوبارہ آئی کہ دیٹ پریگنینسی واز ویری ڈپریسنگ اینڈ آئی واز ناٹ ہیپی، آئی واز سیڈ. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں، بعد کی پریگنینسیز نے وہ ساری چیزیں مجھے بھلا دیں. تو خوش رہیں پریگنینسی میں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک کو، یہ جو مشکل تھوڑا سا مشکل ٹائم ہوتا ہے، آف کورس آپ کی لائف میں چینجز آ رہی ہوتی ہیں، آپ کی باڈی میں چینجز آ رہی ہوتی ہیں، تو اس چیز کو جو ہے نا بالکل ذہن پہ نہیں سوار کرنا. تو خیر، یہ ساری جو سٹوری تھی آج میں نے آپ لوگوں کو بتائی، کیا میں نے کیا آپ لوگوں نے سارا دیکھ لیا، میں کیا کرتی رہی، کوکنگ ووکنگ فرسٹ ڈے سے اسٹارٹ ہوا تھا نیکسٹ ڈے تک. سو یہ سارا اس لیے بتانے کا مقصد یہ کہ مے بی آپ لوگ ریلیٹ کر پائیں اپنی لائف کو میری لائف کے ساتھ، کیونکہ ہم سب انسان ہیں اور انسانوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے. سو خیر، یہ تھا میرا آج کا ولاگ، جس میں شروع میں میں نے جو ہے وہ پلاؤ بنایا، پھر نیکسٹ مارننگ صبح ناشتہ تھا، یہ ریسیپی میں نے جو بریک فاسٹ والی یہ شیئر کی ہوئی ہے، اور اب میں بنانے لگی ہوں کھانا، وچ از لائک دم آلو، کیونکہ میری تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو مجھے تھا چلو میں کچھ پکا لیتی ہوں. سو خیر، یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ اچھا لگا ہوگا اور آپ لوگ ریلیٹ کر پائیں گے اپنے آپ کو میرے ساتھ. سو خیر، سی یو انشاء اللہ تعالیٰ ٹمورو ان مائی ٹموروز ولاگ. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیں، اور ہاں طلال کی ان شاء اللہ تعالیٰ پھر کبھی بتاؤں گی. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.